हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 88 करेंगे इंग्लिश की, क्लास 9th की। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आज हम पोयम ऑन किलिंग अ ट्री से रिलेटेड वर्कशीट करने जा रहे हैं 16 फरवरी की। आज हम इसकी एक एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे एंड देन क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। दो द रोड्स इज टू बी पुल्ड आउट आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप टाइड एंड पुल्ड आउट एंड स्नैप्ड आउट। यानी वो कहते हैं ट्री को मारना आसान नहीं है, इसकी सबसे पहले रूट्स को बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि इसकी सारी पावर रूट्स में ही होती है। ये रूट्स की वजह से ही जिंदा होते हैं। इसको ये जो अर्थ में बहुत फैलाव फैला रखा है इन रूट्स ने, इनको पहले तोड़ना पड़ेगा, देन इसको रोप से बांध के खींचना पड़ेगा और बाहर निकालना पड़ेगा, और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से इसे बाहर निकाल देंगे। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और तब जाके इसकी जो शक्ति है वो खत्म होगी, पर ये मरेगा नहीं। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर द मोर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। अब बहुत समय तक ये जो है ऐसे ही पड़ा रहेगा। जब इसके बाद धीमे धीमे देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, यानी जो धूप होगी इसके कारण इसकी जो परत है ऊपर की ब्राउन हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, ट्विस्टिंग हो जाएगी एंड विदरिंग, यानी थोड़ी थोड़ी झुलसती जाएगी, जिससे कि ये मर जाएगा। तो ये प्रोसेस बता रखा है किसका, ट्री कैसे मरता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना हार्ड प्रोसेस होता है एंड वो कितने समय तक अपना भरोसा नहीं खोता ट्री मरने का। तो आप लोग यही समझते हैं इस पोयम से। अब अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा द विदरिंग इज डन, जो विदरिंग है यानी जो झुलसता है ट्री, वो किसकी वजह से झुलसता है, द सन एंड द एयर। इन द गिवन स्टैंजा, जो वर्ड आउट एंड पुल्ड आउट है, ये बहुत बार यूज हुआ। यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई? तो यहाँ पे हमारी रिपीटेशन की पोएटिक डिवाइस जो है ये यूज हुई है, एलिट्रेशन नहीं हुई, क्योंकि एलिट्रेशन किसी वर्ड के लिए होती है, ना कि किसी सेंटेंस के लिए। सेंटेंस के लिए रिपीटेशन यूज होता है। अब एक प्रेज है देन इट इज डन, ये किसको रेफर नहीं करता। देन इट इज डन जो है ये मतलब है वो मर जाता है फाइनली। तो अ डेड ट्री इसके लिए रेफर करता है, बी द फाइनली ट्री इज डेड इसके लिए भी करता है, द ट्री हैज फिनिश कम्प्लीटली इसके लिए भी करता है, पर द ट्री इज रेडी टू रीग्रो ये नहीं करता। तो आइए पार्ट सेकेंड में अब कुछ और क्वेश्चन से उनके आंसर जान लेते हैं। वॉट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोयम, द पोयम कन्वेज द मैसेज, जो पोयम है उसका मेन मैसेज ये है दैट जो ट्रीज आर लिविंग बींग्स, ही लिविंग है जस्ट लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, जैसे और कोई जिंदा रहता है। एंड इट इज नॉट ईजी टू किल दैम, और इनको मारना ईजी नहीं है, फॉर दे हैव अ नेवर से डाई एटीट्यूड इन लाइफ। अकॉर्डिंग टू द पोएट वॉट कंस्टिट्यूट द स्ट्रेंथ ऑफ ट्री, ट्री की स्ट्रेंथ किस में होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री लाई इन इट्स रूट, इसकी स्ट्रेंथ रूट्स में ही होती है, द रूट इज द सोर्स ऑफ द ट्रीज लाइफ, क्योंकि यही ट्री की लाइफ का सोर्स है। थर्ड वॉट डज एंकरिंग अर्थ रेफर, एंकरिंग अर्थ का मतलब क्या है, एंकरिंग अर्थ रेफर टू द रूट्स ऑफ द ट्री, ये अर्थ की जो ट्री है उसकी रूट्स को रेफर करता है जो कि अर्थ के अंदर पाई जाती है, एंड प्ले द रोल ऑफ एन एंकर फॉर द ट्री, और ये ट्री का एक तरह से सहारा बनती है उसके ग्रो होने में। फोर्थ हाउ डज एक्सपोजर टू सन एंड एयर इफेक्ट द रूट, जो एक्सपोजर है यानी सन और एयर में जब रूट्स आ जाती हैं तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, देन अपरूटेड एंड एक्सपोज टू द सन द रूट्स बिकम ब्राउन एंड द एक्सपोज रूट्स बिकम हार्डन्ड इन द सन एंड विदर, ग्रेजुअली दे स्टार्ट विदरिंग एंड फाइनली द ट्री वॉज डाइड। तो आप इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ट्री मर जाता है। तो अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। अगर वर्कशीट पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर।